मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयुर्वेद का सर्वोच्च पुरस्कार पंडित उद्वदास मेहता वैद्य शास्त्री आयुर्वेद सेवा सम्मान वर्ष 2022 एवं 2023 प्रदेश शासन से डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी को बनाया गया पुरस्कार चयन समिति का सदस्य। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले पंडित उद्वदास मेहता वैद्य शास्त्री आयुर्वेद सेवा सम्मान वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में पुरस्कार चयन समिति में रीवा के वरिष्ठ समाजसेवी एवं वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी को नामित किया गया है। ये पुरस्कार प्रदेश में प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद के क्षेत्र में सर्वोच्च श्रेष्ठ कार्य करने वाले संस्थाएं एवं सर्वोच्च श्रेष्ठ कार्य करने वाले आयुर्वेद चिकित्सक को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार 1,00,000 रुपये की राशि एवं प्रशस्ति पत्र विजेता को प्रदान की जाती है। पुरस्कार चयन समिति में नामित होने पर डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी ने इसे रीवा जिले के माटी की बड़ी उपलब्धि बताया है। रीवा जिले के यशस्वी विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के डिप्टी सीएम तथा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल के निर्देशन में मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं अपने उच्च स्तर से कार्य कर रही है। ऐसे में इस पुरस्कार की चयन समिति में रीवा जिले का प्रतिनिधित्व प्रदेश को मिल रहा है, जो बहुत ही सौभाग्य का विषय है। डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी ने इस उपलब्धि हेतु अपने सभी शुभचिंतकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी है क्या? ये पूरे देश में आयुर्वेद के लिए समर्पित जो कार्य कर रहे हैं वैद्य, वो संस्था के रूप में भी कर रहे हैं, वो व्यक्ति के रूप में भी कर रहे हैं, वो अनुसंधान भी कर रहे हैं, निर्माण भी कर रहे हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। ऐसे वैद्य या ऐसी संस्थाएँ जो राष्ट्र स्तरीय आयुर्वेद के चिकित्सा में, उसके अनुसंधान में, उसकी गुणवत्ता में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे लोग सम्मान के पात्र हैं। उन्हें सम्मान देने के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से वैद्य उद्धव दास मेहता सम्मान पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें 2022 और 2023 इन दो वर्षों के लिए ऐसे लोगों का सम्मान होना है। इसमें 1,00,000 रुपये का नगद पुरस्कार है और प्रशस्ति पत्र है। इसकी प्रक्रिया में लोगों की ओर से पूरे प्रदेश से और अन्य स्थानों से भी आवेदन आएंगे। आवेदन आने के बाद ये स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी होने के बाद अनुशंसा समिति उनको देखेगी और देखने के बाद अपनी अनुशंसा के साथ कई लोगों में से एक को देना है, लेकिन कई लोगों के लिए वह अनुशंसा करेंगे। पुनः चयन समिति के पास वह अनुशंसा आएगी और उसमें जो लोग श्रेष्ठतम कार्य करने वाले लोग हैं उन्हें पुरस्कार के लिए घोषित किया जाएगा। ये जो पुरस्कार मेहता द्वारा साल में कितने बार दिया जाएगा? एक बार, वर्ष में एक बार होता, प्रतिवर्ष एक एक लोगों को मिलेगा, प्रतिवर्ष एक होता है।